नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। नमस्कार आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड परिसर से स्वीप गतिविधि अंतर्गत मतदाता जागरूकता को ले साइकिल रैली का आयोजन हुआ। एसडीएम रीना हांसदा, सुश्री रीना हांसदा ने झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री कुलदीप चौधरी के निर्देशन पर आज सोनुआ प्रखंड परिसर से स्वीप प्रतिनिधि अंतर्गत मतदाता जागरूकता को ले एसडीएम पोड़ाहाट सुश्री रीना हांसदा की उपस्थिति में साइकिल रैली का आयोजन हुआ। साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसडीएम सुश्री रीना हांसदा ने कहा सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान तिथि 13 मई निर्धारित है। उन्होंने कहा काफी लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, मतदान दिवस के दिन अवश्य मतदान करें, साथ ही साथ अपने घर वाले और आस पड़ोस के लोगों को भी मतदान करने हेतु प्रेरित करें। 15 अप्रैल तक प्रपत्र 6 के माध्यम से नए मतदाता जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनका भी मतदाता सूची में नाम नहीं है वे ऑनलाइन माध्यम www.nvsp.in पोर्टल के माध्यम से भी अपना नाम जोड़ सकते हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि मतदान के दिन सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज करें। कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट चक्रधरपुर के द्वारा उपस्थित सभी लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई। तत्पश्चात साइकिल रैली को रवाना किया गया। साइकिल रैली प्रखंड कार्यालय परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मतदाताओं को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में मतदान तिथि 13 मई को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साइकिल रैली के उपरांत साइकिल रेस भी आयोजित की गई जिसमें विजय होने वाले साइकिलिस्ट को पुरस्कृत भी किया गया। मौके पर नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग, सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुश्री ईशा खंडेलवाल, जिला खेल पदाधिकारी श्रीमती रूपा रानी तिर्की, प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनुआ सहित अन्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे।